हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक रेसिपी। आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाली मशरूम की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है। हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो मशरूम की रेसिपी ज़रूर ट्राई करते हैं। सेम रेसिपी आज हम घर में बेसिक सामानों के साथ बनाएंगे, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मशरूम को कट कर लेंगे। मैं यहाँ दो दो पीसेस में कट कर रही हूँ, आप इसे चार भाग में भी काट सकते हैं। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे पैन, उसमें डाल देंगे एक गिलास पानी और उसमें एक उबाल आने देंगे। अब हम इसमें सारा मशरूम डाल देंगे, साथ ही आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलाएंगे गैस पे एक पैन, उसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच ऑयल, जिंजर गार्लिक, अनियन स्लाइस, सभी को मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढक के एक मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, इसे भी मिक्स कर देंगे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम पैन में एक चम्मच ऑयल डाल के ऑनियन क्यूब्स को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब ये ठंडा हो गया है। अब हम एक मिक्सी के जार में इसे डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डाल देंगे ऑयल, जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च, आधा चम्मच हींग और सभी को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च आप स्टार्टिंग में ही डाल लें, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। अब इसमें नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ग्रीन चिली, होममेड फ्रेश ग्रीन और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन क्यूब्स। मशरूम और सभी चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साथ ही कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें डालना है आधा कप पानी और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। आइए अब इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अमेजिंग आया है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।